उनकी चौखट से ले आया था मुझे वो। जानकी उस चौखट पर वापस तभी आएगी जब राघव लेने आएंगे, और वो आएंगे। देखो ऐसा होता है ना कि किसी चीज पर पहले तो यकीन नहीं होता है, और जब एक बार वो भरोसा जीत लेती है और उसके बाद जब भी भरोसा टूटता है भाई साहब माथा खराब हो जाता है। सेम चीज आज करके आया हूँ, द मोस्ट डिजास्टर्स मूवी ऑफ दिस ईयर देख कर आ रहा हूँ। कसम से कह रहा हूँ, सर दीवारों पर पटक लूँ या फिर ओम राउत को उठा के पटक दूँ, भाई साहब कहाँ खर्च किए हैं तुमने 700 करोड़ रुपए? ऐसे चूतिया काटोगे अब तुम? रामायण जैसे प्योर सब्जेक्ट का यूज करके ऐसे जनता की फीलिंग के साथ खेलोगे? मतलब कुछ भी, आप कुछ भी अपनी अलग से रामायण क्रिएट कर दोगे? दोस्तों फिर से बोल रहा हूँ, बहुत भरा पड़ा हूँ, क्योंकि एक बार के लिए मुझे यकीन होने लगा था कि मूवी वाकई में शायद अच्छी हो, देखने लायक तो होगी। लेकिन कसम से कह रहा हूँ, 3 घंटे मेरे जैसे तैसे कटे हैं। वो दर्द सिर्फ मैं जानता हूँ, भाई साहब प्रभास के नाम इस्तेमाल करके कुछ भी अपनी मर्जी से कॉन्टेंट क्रिएट कर दोगे? मतलब प्रभु श्री राम का कैरेक्टर कुछ भी है क्या? प्रभास बाय गॉड कहीं से कहीं तक राम के कैरेक्टर पर जम नहीं रहे, क्यों इस बंदे का स्टारडम खत्म करने के चक्कर में तुले हो भाई साहब? देखो रामानंद सायर की रामायण के जो राम हैं उन्हें देखकर चेहरे पर मुस्कान आती है, दिल खुश हो जाता है उनकी मुस्कुराहट को देखकर, वाकई में वो भगवान का रोल प्ले करते हैं। लेकिन प्रभास का तो त्रेता युग का श्री राम कम बॉलीवुड का एक एक्शन हीरो ज्यादा दिखाया गया है, जो कि टोटली अनएक्सेप्टेबल है। मतलब प्रभु श्री राम महापुरुष की उपाधि से नवाजे जाते हैं, क्योंकि एकमात्र ऐसे इंसानी रूप था जो सर्वगुण संपन्न थे, जो कि मानवता के लिए प्रेरणा का रूप है। लेकिन सिर्फ एक एंगर कैरेक्टर का ही रोल दिखाना, ये जमाने। और सबसे बड़ी शिकायत तो यह है कि फिल्म को क्या कोयले की आग में धीमी आंच पर बनाया गया था, इसलिए पूरी फिल्म काली कर दी गई है। भाई साहब ऐसे कंटेंट में काला रंग निगेटिविटी शो करता है। मतलब ओम राउत को किसने बोल दिया था यार, जब इस बंदे ने रामायण ढंग से पढ़ी ही नहीं थी तो बंदे को जरूरत क्या थी इस बनाने की? दोस्तों रामायण और प्रभास का नाम यूज करके बस ये नोट छापने का काम कर रहे हैं, और समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इन्हें इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। रामायण का एक एक पार्ट, एक एक इंसिडेंट फुल वैल्यूएबल लेसन से भरा होता है, लेकिन हमें एंटरटेनमेंट के पर्पज से सिर्फ और सिर्फ एक्शन ही दिखाया गया है इस फिल्म में। दोस्तों कंटेंट के नाम पर ये मूवी बकवास है बिल्कुल, और ऊपर से भाई साहब वीएफएक्स का जो पार्ट है मतलब पूरा गुड़गोबर कर दिया है। वीएफएक्स के नाम पर एनिमेशन दिखाया दिया, वो भी एक रद्दी लेवल का कार्टून। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई, 2005 का किंग कॉन्ग तुम्हारे किंग कॉन्ग से ज्यादा रियल दिख रहा है? दूसरा राइज ऑफ द एप्स, डाउन ऑफ द एप्स जैसी फिल्में मार्केट में पहले ही हैं, क्या इससे इंस्पिरेशन या फिर कुछ सीखने को नहीं मिला तुम लोगों को? किस लेवल का रियलिटी दिखाया इन्होंने? क्या तुम्हें भी वही सेम चीज वही वाइब मैच नहीं करनी थी और तुमने साला कार्टून सामने रख दिए? भाई साहब बहुत हल्की फुल्की रिसर्च के साथ इस फिल्म को बनाया गया है, साफ पता लग रहा है। मतलब वाकई में प्लेस्टेशन के वीएफएक्स इस फिल्म के वीएफएक्स से 10 गुना ज्यादा अच्छे होते हैं। देखो हाथ जोड़कर विनती है, बॉलीवुड का नाम ऐसे खराब मत करो यार, और रामायण जैसे सब्जेक्ट का ऐसा मजाक ना उड़ाओ। और कैरेक्टर्स के बारे में तो क्या ही बोलूं, मतलब बचा कुचा गुड़ गोबर तो इन्होंने किया है बिल्कुल मक्खन लगाकर। हां रावण को छोड़कर वो भी बताऊंगा, लेकिन भाई साहब आप लोग ऐसे अजर अमर कैरेक्टर्स का रोल प्ले कर रहे हैं जिनका इंपैक्ट लोगों के रियल लाइफ से सीधा कनेक्ट करता है। तुम्हें मालूम है जब भी रामायण का नाम सुनाई देता है तो रामानंद सागर की रामायण सबसे पहले आंखों में छा जाती है, और प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान में दारा सिंह। क्यों? क्योंकि इन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ कैरेक्टर को समझा, और फिर उसके बाद जो रोल में घुसे थे उसे आज भी कोई भुला नहीं सकता। लेकिन सैफ की दाद देनी पड़ेगी, क्या घुसा है रावण के कैरेक्टर में, और ओम राउत के नाम पर लानत है। आप कुछ भी सोने की लंका दिखा रहे हैं, ऐसी सोने की लंका दिखाई इन्होंने जो काली ज्यादा लग रही है बजाय चमकने के, और ड्रेसिंग में तो और गंदी मार खाई है। मतलब आप एक काला कपड़ा पहनाकर रावण को घुमा रहे हो पूरी मूवी में, मतलब रावण के लिए कम बजट था क्या जो बेचारे को एक राजा वाला रंग रूप आप दे ही नहीं पाए? और डायलॉग डिलीवरी में तो सबसे रद्दी है ये मूवी। मतलब एक तरफ से रामानंद सागर की रामायण के जो डायलॉग थे वो आज भी प्रेरणा का सोर्स है, लेकिन इस फिल्म के डायलॉग तो भाई साहब बिल्कुल लो क्लास, नॉट सेटिस्फाइंग। और भाई साहब स्क्रीन प्ले में तो इन्हें कोई सिखा दो यार, अगर तुम 3 घंटे की फिल्म बना रहे हो तो किसको कितना रोल देना है, किसको कब कैसे और कितना हाईलाइट करना है? सिर्फ एक दो चेहरों को ही इतना डोमिनेंटली दिखाओगे तो बाकी कैरेक्टर्स को लेने की जरूरत ही क्या थी? मूवी को 3 घंटा लंबा खींचकर इतना बोर कर दिया है, और बहुत स्लो स्क्रीन प्ले दिखाया गया है। दूसरा प्रभु श्री राम को इतना डोमिनेंट नहीं दिखाया गया है, बल्कि रावण ज्यादा डोमिनेंट दिख रहा है, और भाई साहब लक्ष्मण का तो कोई रोल ही नहीं है। कौन सी रामायण पढ़कर यह फिल्म बना डाली ओम राउत ने जिसमें लक्ष्मण का कोई ढंग से रोल ही नहीं दिखाया गया है, और मां सीता का तो होना ना होना एक जैसा ही दिखाया गया है, और खुन्नस तो वहां आ रही है। अशोक वाटिका को क्या दिखाया है तुमने? बंजर काली निगेटिविटी प्लेस, जैसा हॉरर मूवी का बैकग्राउंड थीम एंड सीन होता है सेम वैसा ही। भाई साहब इन लोगों ने यह फिल्म नहीं बनाई है, इन्होंने मजाक किया है, एक्सपेरिमेंट किया है कि जनता को कैसे टॉर्चर कर सकते हैं अपने रद्दी से रद्दी कॉन्टेंट को दिखाकर। तो भैया इससे ज्यादा मैं और इस डिजास्टर फिल्म के बारे में नहीं बोल
बोल सकता क्योंकि मैं वो 3 घंटे का टॉर्चर दोबारा से फील करके रियलाइज नहीं करना चाहता। बाकी मूवी बिल्कुल बकवास है, पैसा फालतू है और टाइम फालतू है, तो जरूर जाओ सिनेमा घर में एक्सपीरियंस लेने, वरना धूप ज्यादा है घर में बैठो और सोचो ऐसी कोई मूवी आई ही नहीं थी मार्केट में। दोस्तों मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी। आपका क्या कहना है इस रामायण के बारे में? मेरी इतनी बातें बताने के बावजूद इसे देखने जाना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। बाकी क्या अभी भी आदि पुरुष अपनी लागत 700 करोड़ कवर अप कर लेगी? फटाफट अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।